वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पल्लवी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मदर जेनिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों में विंटर्स के टाइम पे एक प्रेग्नेंट वुमेन को, एक गर्भवती महिला को क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कितना बच के रहना चाहिए, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि जितने भी टॉप विंटर केयर टिप्स जो हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रेशन के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट वुमेन को ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने पूरे प्रेगनेंसी में पूरी तरह से हाइड्रेट रहे, वो उसे जो है डिहाइड्रेशन ना हो। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो वो आपके और आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आपको सर्दियों में भी जो है 12 से 13 ग्लास पानी ज़रूर पीना है, उसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि पानी जो है आपके लिए और आपके बेबी के लिए प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको पानी पीना है। ये आपको नहीं सोचना है कि अगर आपको प्यास नहीं लग रही है तो आप पानी ना पिए। अक्सर हम सर्दियों में जो है पानी बहुत कम पीते हैं, क्योंकि हमें जो प्यास है वो बहुत कम लगती है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको ये भूल नहीं करना है, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी पीना चाहिए। कोई भी लिक्विड चीज़ें जो है वो ज़्यादा लेना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पर। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि विंटर्स में जो नॉर्मल पानी भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो आपको ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है। आपको पानी को गुनगुना करके पीना है, नॉर्मल करके पीना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने बिल्कुल ठंडा पानी पी लिया या बिल्कुल गर्म पानी पी लिया, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि विंटर्स में हमें ठंड कम लगती है तो हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने लगते हैं, चाय पीने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म दूध पीते हैं। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अक्सर अगर आप ठंडा पानी पियेंगे तो आपको जुकाम होने के चांसेस हैं, और बहुत ज़्यादा गर्म पियेंगे तो वो आपके प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ड्राई स्किन की। सर्दियों में अक्सर हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि सर्दियों में जो हवा होती है उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, उसकी वजह से जो हमारी स्किन है, हमारी जो त्वचा है, वो भी ड्राई होने लगती है, वो भी रूखी होने लगती है। इसीलिए विंटर्स में एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी बॉडी को हमेशा मॉइस्चराइज रखना है। कोई अच्छा सा हर्बल मॉइस्चराइज़र लगाना है, या फिर जो है आप ऑयल भी लगा सकते हैं, जैसे कि बादाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल है। बट जो सरसों का तेल है वो प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी उसको यूज़ करें, वरना ना करें। आप जो है बाकी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सरसों का तेल जो है आपको रोज़ाना नहीं लगाना है, आपको वीक में एक से या दो बार ही जो है आप लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो आप जो है सरसों का तेल ज़रूर लगा कर देखें, आपको जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि सरसों का जो तेल है, शुद्ध जो सरसों का तेल होता है, वो आपके जो बॉडी को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। पहले के टाइम पे जब ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मॉइस्चराइज़र जो है ये नहीं हुआ करते थे, बाकी ऑयल जो है वो नहीं हुआ करते थे, तो पहले के जो हमारे लोग हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो जो है सरसों का तेल ही सर्दियों में इस्तेमाल करते थे। तो आप जो है उनकी स्किन देख सकते हैं, अभी तक उनकी स्किन जो है वो कितनी अच्छी है। तो सरसों का तेल जो है वो प्योर होना चाहिए, तभी आपको इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आप जो है बाकी ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि बादाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, और भी कई हर्बल मॉइस्चराइज़र जो आते हैं उसको आप लगा सकते हैं। उससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, इचिंग की प्रॉब्लम जो है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, वो बहुत हद तक जो है कम हो जाएगी। इसीलिए आपको जो है अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के टाइम पे विंटर्स में अपनी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है। विंटर्स में एक प्रेग्नेंट वुमेन को इस बात का भी बहुत ख्याल रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना है। इससे आपको कोल्ड हो सकता है, आपको जुकाम हो सकता है, आपको सर्दी लग सकती है।
और आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहाना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से जो आपके स्किन की जो नेचुरल मॉइस्चर है वो निकल जाती है और आपकी स्किन जो है वो और भी ज़्यादा ड्राई होने लगती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी नहाने से बचे और बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से भी आप नहाने से बचे। आपके लिए प्रेगनेंसी में यही अच्छा रहेगा कि आप जो है गुनगुने पानी से नहाएं, उससे आपको काफ़ी रिलैक्स भी मिलेगा और आपकी जो स्किन की ड्राइनेस जो है वो भी कम होगी। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप नहाने से पहले जो है अच्छी तरह से अपने बॉडी को मॉइस्चराइज कर ले, कोई अच्छी सी ऑयल लगा ले, उसके 10 या 15 मिनट बाद जो है आप नहाने चले जाएं, आप नहा लें। उसके बाद जो है नहाने के बाद फिर से आप जो है कोई भी हर्बल मॉइस्चराइजर जो है वो लगा लें, उससे आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं खुद इस चीज़ को जो है विंटर्स में ट्राई करती हूँ, जिससे जो मेरी स्किन जो है विंटर्स में काफ़ी अच्छी रहती है, ज़्यादा ड्राई नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप जो है ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वैक्सीनेशन की। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत सारे जो है ऐसे वैक्सीन होते हैं, जैसे कि रोटा वायरस, निमोनिया, फ्लू के वैक्सीन होते हैं जो आपको जो है विंटर्स में फ्लू से बचाते हैं, निमोनिया होने से बचाते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है, क्योंकि डॉक्टर आपकी कंडीशन को अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं। अगर वो अलाउ करते हैं किसी भी मेडिसिन के लिए या किसी भी वैक्सीन के लिए, तभी वो आप लें, वरना जो है हम बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वो आपके बेबी के लिए और आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। इस बात का जो है आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट जानेंगे आपके डाइट चेंज के बारे में। विंटर्स में जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपका जो डाइट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि जो है आपको जो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें हैं वो नहीं खानी होती है, डायरेक्ट फ्रिज से निकाली हुई चीज़ें जो है वो आपको नहीं खानी है। कभी भी अगर आपको फ्रिज का कुछ खाना है, कुछ फूड जो है उसमें रखा हुआ है, तो उसको खाने से 2 घंटे पहले ही बाहर निकाल के रख दें। इससे जो है आपको कोल्ड नहीं होगा, आपको सर्दी जुकाम नहीं होगी, इसीलिए ज़्यादा ठंडी चीज़ों से आप विंटर्स के दौरान जो है वो ज़रूर बचें। विंटर्स में कई ऐसी चीज़ें जो है वो आप अपने डाइट चार्ट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि कई सारे विंटर्स के फ्रूट्स होते हैं, जिसमें से एक है संतरा। संतरा आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको जो है ज़रूर खाना चाहिए। और विंटर्स में संतरा जो है वो ईज़िली अवेलेबल रहता है। आपको जो है प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी फ्रूट जो है इंपोर्ट किया हुआ नहीं खाना है, उस मौसम का जो फल है उसी को खाना है। जैसे कि संतरा जो है वो विंटर्स में, सर्दियों में इजीली अवेलेबल मार्केट में रहता है, तो उसी मौसम के फल को अगर आप खाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ऑरेंज के फ़ायदे के बारे में बताया हुआ है कि वो कितना ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होता है प्रेगनेंसी में आपके लिए और आपके बेबी के लिए। साथ ही मैंने ये भी बताया है कि आपको कभी भी जो है इंपोर्ट किया हुआ फ्रूट जो है प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना है, हमेशा उस मौसम का जो फ्रूट है उसी को खाना है। वो भी वीडियो जो है आप मेरा वो देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आपको जो है सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें जो है आप अपने डाइट चार्ट में शामिल कर सकते हैं, जिनमें से एक मैंने संतरा बताया, और आप एग भी खा सकते हैं, बट आपको एग का जो है वाइट पार्ट ही खाना है, जो येलो वाला पार्ट है उसको आपको नहीं खाना है। और आप आंवला खा सकते हैं, आप हनी ले सकते हैं, विंटर्स में आप केसर दूध भी ले सकते हैं। केसर दूध आपके और आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, बट इसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप 4 मंथ से केसर दूध लेते हैं वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली तिमाही में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, आपका जो डाइजेशन है वो सही नहीं होता है। 4 मंथ्स के बाद अगर आप केसर दूध लेते हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो केसर के रेसे हैं वो 2 से 3 रेसे ही जो है आपको लेने हैं दूध के साथ, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके एक्सरसाइज के बारे में। विंटर्स में जो है अक्सर हम अपने जो एक्सरसाइज है उसको इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि हम बाहर जो है ठंड की वजह से वॉकिंग पे नहीं जाते हैं, इवनिंग में वॉक पे नहीं जाते हैं। बट आपको प्रेगनेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर करना है, आपको अपनी रेगुलरिटी को ब्रेक नहीं करना है। अगर आपको सुबह जो है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप लेट निकले, 7 बजे के बाद निकले, सुबह में 5 या 6 बजे ना निकले, 7 बजे के बाद निकले या 8 बजे के बाद भी निकल
सकते हैं। उस टाइम जो है वेदर काफ़ी क्लियर हो जाता है, धूप भी निकल आती है, तो उससे क्या होगा, आपके लिए धूप भी बहुत अच्छा है और आपको ठंड भी कम लगेगी। तब आप जो है थोड़ा वॉक कर सकते हैं, और इवनिंग में जो वॉक खाने के बाद करते हैं उसको आप जो है थोड़ा पहले कर ले, 4 से 5 बजे के बीच जो है, जब थोड़ा सा जो वेदर क्लियर रहता है तब आप कर ले, तो उससे आपको ठंडी नहीं लगेगी। और कभी भी आप वॉक पे निकले तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके निकले। कवर करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो जाए, कंफर्टेबल क्लॉथ ही पहने जिसमें आप अच्छे से वॉक कर सके, कंफर्टेबल शूज पहने जिससे जो है आपको वॉक करने में परेशानी ना हो। और अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो आप घर पे ही जो है बहुत सारे प्रीनेटल योगा हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो आपके डॉक्टर साहब को बताते हैं प्रेगनेंसी के, वो आप जो है घर पे ही आराम से कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कभी भी आपके आसपास में किसी को भी सर्दी जुकाम है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी वायरल फीवर है, तो आपको उसके पास नहीं जाना है, उससे आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑलरेडी जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी वीक होती है, तो उससे आप बीमार जो है वो जल्दी पड़ सकते हैं, बहुत जल्दी जो है आपको किसी से भी कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो इसीलिए कभी भी किसी को भी आपके आसपास में सर्दी या जुकाम है, वायरल है, फीवर है, तो आपको उनसे दूरी बनाए रखनी है, आपको दूसरे कमरे में रहना है। अगर इतने सारे प्रिकॉशन के बाद भी अगर जो है आपको सर्दी जुकाम हो जाती है, तो आप बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं उसको जो है ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं उसको ट्राई कर सकते हैं आप। बट अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, वो जो आपको मेडिसिन बताएं उसको खाना है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, ज़रूर कमेंट करना, ज़रूर शेयर करना, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।